नमस्कार दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो ज़रा हटके है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ यानी शुगर के लिए डाइट प्लान, और इस डाइट प्लान को लेने के बाद में आपको किसी भी दवाई की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो आपका शुगर बिना किसी दवाई के बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और अगर इस डाइट प्लान को आप लंबे समय तक फॉलो करते हो तो आपका शुगर हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की डाइट प्लान। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक डाइट प्लान बताते हैं जिसमें वे दावा करते हैं कि अगर शुगर के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को ये डाइट प्लान दिया जाए, इसके अनुसार वो अपना भोजन करे, तो उसकी डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल रहेगी, और अगर लंबे समय तक वह इसका पालन करता है तो उसका शुगर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आप इससे लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि हम आपके स्वास्थ्य के लिए लाते हैं ऐसी ऐसी रोचक जानकारियाँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का वह कौन सा डाइट प्लान है जिससे शुगर बिना किसी दवा के हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इस डाइट प्लान को हमने बहुत सारे लोगों में इसको अजमा के भी देखा है। मेरी माँ खुद शुगर की पेशेंट है और वो बहुत लंबे समय से दवाइयाँ ले रही थी, तो जैसे ही हमने ये डाइट प्लान उन पर लागू किया तो उनका शुगर जो पहले 300 से 400 के बीच रहा करता था, वो इस डाइट प्लान के लेने से 150 से 200 रहने लगा। जब उनका शुगर लेवल 150 से 200 रहता है बिना किसी दवाई के, तो फिर दवाई लेने की ज़रूरत ही क्या है। पहले तो उन्हें सुबह शाम एक एक टैबलेट लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी वो उनकी पूरी दवाई पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, और डाइट प्लान के अनुसार वे अपना जीवन जी रही हैं, और बहुत ही अच्छा उनका स्वास्थ्य है, बिल्कुल स्वस्थ हैं वे। तो आपको भी मैं आज इस डाइट प्लान के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, हमें ये करना है कि अगर हमको डायबिटीज़ है तो हम 12 बजे से पहले सुबह उठकर हम कुछ ना खाएं, और 12 बजे से पहले हम कोई भी ऐसा फूड ना लें जिसमें कोई किसी भी प्रकार का अन्न हो। 12 बजे से पहले हमें केवल फल खाने हैं, आपको भूखा बिल्कुल नहीं रहना है। आप 12 बजे से पहले केवल फल खाएं, और प्रचुर मात्रा में फल खाएं। किसी भी तरह का फल आप ले सकते हैं, चाहे वह कितना भी मीठा फल हो, उससे आपकी डायबिटीज़ नहीं बढ़ेगी। तो 12 बजे से पहले दोस्तों केवल फल खाएं। आप उसमें सलाद भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं। तो फल और फलों का जूस, यही आपको 12 बजे से पहले लेना है, और जितनी आपको इच्छा है इतना खाएं। लगभग डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी तो कहते हैं कि लगभग 400 ग्राम आप फल खाएं, लगभग 400 ग्राम फल खाएं, 400 से 500 ग्राम 12 बजे से पहले पहले, जितनी भी बार आपको भूख लगे फल खाएं। उसके बाद 12 बजे के बाद में आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद में जैसे ही आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, जो भी आपकी डेली की खाने का शाकाहारी खाना है उसे खाते हैं, तो खाना खाने से पहले लगभग 300 ग्राम आप सलाद खाएं। सलाद जैसे खीरे की सलाद हो गई, गाजर की सलाद हो गई, मूली की सलाद हो गई, अमरूद की सलाद हो गई, बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सलाद हमें मिल जाती है, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारत में बहुत अधिक मात्रा में सलाद पाई जाती है। गर्मी में भी और सर्दी में भी प्रचुर मात्रा में आपको सलादें मिल जाती हैं। तो आप सलादें लें, लगभग 300 ग्राम सलाद खाएं, उसके बाद में भोजन करें। अगर आप 4 रोटी रोज़ खा रहे हैं तो सलाद खाने के बाद आपके अंदर 2 रोटी की ही भूख रह जाएगी, तो आप 2 रोटी खाएं।
तो तीसरा हमें क्या करना है शाम के खाने की, अब मैं आपको बता दूं, शाम को खाने में भी ऐसे ही करना है। खाना खाने से पहले लगभग 300 ग्राम हम सलाद खाएंगे। सलाद टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं। तो हम सलाद खा ले पहले, उसके बाद में हम भोजन करें। तो जब हम भोजन करेंगे तो हम जितना हम रोज़ भोजन करते थे उससे लगभग आधा ही भोजन हम कर पाएंगे। तो इस प्रकार अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करोगे तो पहले ही दिन से ही, ये मैं दावा करता हूं क्योंकि मैंने इसे आजमाया है, पहले दिन या दूसरे दिन से ही अगर आपकी शुगर लेवल 300-350 रहती है तो वो घटकर 250 और 200 आ जाएगी। इसी प्लान को अगर आप लगातार एक महीने तक फॉलो करते हैं तो आपकी शुगर लेवल 100-150 पर आ जाएगी। तो इसी डाइट प्लान को फॉलो करते रहें और इसके साथ साथ थोड़ा व्यायाम भी शुरू करें। सुबह के समय कम से कम 30 मिनट तक पैदल पैदल चलें, शुगर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सुबह के समय पैदल चलना। और उसके साथ साथ इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी शुगर बिना किसी दवा के हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक सावधानी और आपको बरतनी चाहिए। जैसे आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हो, एक गोली सुबह ले रहे हो या एक गोली शाम ले रहे हो, या केवल एक गोली आप दोपहर खाने से पहले लेते हो, तो ज़रूर अपने पास शुगर टेस्ट करने की मशीन रखें। जब आप ये डाइट प्लान ले रहे हैं तो शुगर टेस्ट बराबर कराते रहें कि मेरा इस डाइट प्लान से शुगर का लेवल कितना चल रहा है। अगर आपका शुगर लेवल हो सकता है कि आपको शुरुआत के एक दिन या दो दिन, जैसे आप सुबह शाम दवाई लेते हो तो एक टाइम दवाई लेने की ज़रूरत पड़े, उसके बाद धीरे धीरे वो अपना काम कर देगी, ये जो डाइट प्लान है वो धीरे धीरे फिर अपना काम कर लेगा। लेकिन शुरुआत के दिन में आपको हो सकता है किसी टेबलेट की आवश्यकता पड़े तो शुगर टेस्ट ज़रूर कराते रहें। और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका शुगर लेवल एकदम से नीचे गिर जाए, तो शुगर टेस्ट ज़रूर कराते रहें। जब आप इस डाइट प्लान को फॉलो करें तो पहले दिन भी अपना शुगर टेस्ट करें, दूसरे दिन भी टेस्ट करें, लगातार 3-4 दिन तक अपना शुगर टेस्ट करें। उससे आपको भी अनुमान हो जाएगा कि मेरा शुगर क्या चल रहा है। तो दोस्तों इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपको बिना किसी दवाई के आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, ये हमारा आजमाया हुआ है। आप भी अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके किसी परिचित को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का ये फार्मूला, ये डाइट प्लान आप ज़रूर आजमाएं, इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा। इसी शुभकामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ आपके बीच आते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी मित्रों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।